सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब और गुड मॉर्निंग गाइस। मैं हूं आपका अपना कैम सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नई राइड। हमारा प्लान ये है, आज हम तीन बाइकर, बाइकर तो दो होंगे, एक हमारा पिलियन राइडर होंगे मिस्टर रैंडम राइडर गुरप्रीत सिंह और साथ में है हमारे ब्रो ललित, जिसको सब जानते हैं भाई लोग लद्दाख राइडर। तो दोस्तों प्लान ये है हमारा, आज हम यहाँ से जाएंगे मंडी और अगर हमारे पास एनर्जी बची, थोड़ा लेट हो गए हैं, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, और अगर एनर्जी हुई तो हम जाएंगे वहाँ से जिब्भी। तो जिब्भी का प्लान है और ये पूरी राइड जो होने वाली है नई राइड होगी, जिब्भी जलौरी पास, और उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से नारकंडा और फिर शिमला। लेट्स सी क्या होता है, कीप वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, फ्री में आता है, खर्चा नहीं आएगा आपका। कीप फॉलोइंग मी, आई एम योर ब्रदर कैम सिंह, लव यू ऑल गाइस, कीप वॉचिंग, देखते रहो। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में। So it's time to go guys, हम जा रहे हैं राइड पे और राइड स्टार्ट होने वाली है। We are ready, my bike is ready, Gurpreet is ready and the Dalit is ready. GPS पे ऊना सेट कर लो, हाँ वो रोड ठीक है। हेलो, हाँ जी मम्मी जी, मम्मी चल रही हैं हले, बारिश इतने शुरू नहीं हुई हले। हाँ जी थोड़े बारिश हो रही है, अरे वाह। तो बस अम्मा जी ऊना वाल जा रहे हैं, तेन उत्थे पहुँच के फ़ोन करूँगा। ओके बाय बाय, हाँ जी हाँ जी, ओके लव यू, बाय मम्मा। वाओ गाइस, एकदम से मौसम ने अपना रुख बदला है और देखिए कितना सेक्सी मौसम हो गया है। हमारी राइड अभी शुरू ही हुई थी और देखिए मौसम ने कैसे अंगड़ाई ले ली और मौसम इज ऑसम। लगता खूब सारी वर्षा होने वाली है, बारिश होने वाली है, बहुत मजा आएगा इस राइड का। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कैंप क्रिएशंस को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, लगता है बारिश से पहले तूफान आएगा और मानसून में ऐसा कभी भी हो सकता है, तो हमें तैयार रहना चाहिए और अच्छा राइडिंग गियर डालना चाहिए। और वो क्या है, आपको हेलमेट डालनी है, ग्लव्स डालने हैं जो मैंने अभी डाले नहीं हैं, अभी डाल लूँगा मैं, और साथ में राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट्स और अच्छे शूज़। अगर ये सब करेंगे तो आपकी राइड सेफ रहेगी और आपकी राइड को इन्जॉय कर पाओगे। दोस्तों लगता है कहीं हमें आसरा लेना पड़ेगा क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने की संभावना है। अगर बारिश शुरू होती है तो हम कहीं पर रुक जाएंगे। और वहां से अपना फिर कार्यक्रम आगे क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कीप वॉचिंग गाइस, फॉर द टाइमिंग तो फंस गए हैं, इतनी तगड़ी बारिश हो रही है। अगर आपको नजर आ रही है मेरे पीछे, अगर आ रही है तो अब देखिए, शायद नजर आ जाए, नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो अब फंसे हुए हैं ऐसे मौसम में। सुपर फास्ट बारिश हो रही है, इतनी घना घमासान बारिश हो रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। और ये मेरा माइक का जैक जो है, इसका GoPro का वो लटक रहा है और हम भी लटके हुए हैं यहाँ पे, बड़े हुए हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। मस्ती है, एंजॉय कर रहे हैं, टेंशन लेने का नहीं, देने का। लव यू।
सही में अभी मुड़ना है, हमने मुड़ना है, एक मिनट देखना पड़ता है लगाने के बाद में। सही है यार, है ना, हेड है यार। चलो चलते हैं, लेट्स गो। उतारना पड़ा अपना, क्योंकि बारिश बार बार आ रही है और मुझे अपना वाटर प्रूफिंग लिखनी पड़ेगी अपनी बोतलों की। तो माइक मेरे अभी बैग में है, बैग में है। अगर मौसम ठीक रहा तो माइक लगा लूँगा, वरना अभी माइक को रेस्ट मिलेगा। और तब तक आप बर्दाश्त कीजिए मेरी ऐसी आवाज़, थोड़ी खरखर, थोड़ी खुशखुश और थोड़ी ये हवाएँ सुनते रहिए बीच बीच में। और देखिए, ये है हमारा सोना पंजाब, ये है होशियारपुर, और हम जा रहे हैं टूवर्ड पूना और पूना से टूवर्ड मंडी। ओके गाइस, हम पहुंच गए होशियारपुर और अभी हमने लिया है यहाँ पे खाना, खाया है खाना। इसका नाम क्या है? इसका नाम ब्रदर्स स्वीट शॉप। चाय पी है और थोड़ा सा मट्ठी वट्टी खाई है एनर्जी के लिए। और सारे बाइक के हमने कर लिया है, पूरा वाटर प्रूफिंग कर ली है, कवर डाली है इन्होंने भी सबने, और रेनकोट डल रहे हैं। मिस्टर गुरप्रीत सिंह देखिए क्या स्मार्ट लगते हैं रेनकोट डाल के, क्या रेनकोट है भाई लोग, मंगवी डैश। ठीक है ना, तो ये लोग अभी होशियारपुर में पहुंच चुके हैं, आगे निकलेंगे और ऊना जाना है अभी हमें। ऊना के बाद मंडी जाएंगे, आज मंडी के ऊपर जाना ना होगा नहीं पॉसिबल लगता है। एंड कैंपेशन भाई लोग मस्ती करते हैं, कैंपेशन रॉक। देवभूमि हिमाचल, और देवभूमि हिमाचल में आपका मैं आगमन पर आपका स्वागत है। क्या बात है, और ये है हमारे प्यारे प्यारे बाइक। देखिए तो स्मार्ट लग रहे, खड़े हुए गंदे हुए हैं, ये होती है राइडर की पहचान। चलो बाइक गंदा ना हो उस राइड की क्या है भाई, आज तो बहुत ऑफ रोडिंग होगी हमारी। नो मैन्स लैंड क्या मतलब? हमने बोर्ड लगा देखा, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? वेलकम टू पंजाब। अरे वाह, पंजाब उस तरफ, हिमाचल इस तरफ, हम जहाँ खड़े हैं ये कैंप की भूमि है, ललित की भूमि है, गुरप्रीत की भूमि है। तो जी एंटर हो गए हिमाचल में, और ये है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे हर मोड़ पे हॉर्न देना ज़रूरी है, नहीं तो खतरा आपके आसपास रहेगा। और बारिश में अगर मैंने ऑन कर लिया माइक तो भैया गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं रहेगा, और आप चाहते नहीं है कि आपको फुटेज मिले ही ना, इसलिए आपको बर्दाश्त करने पड़ेगी मेरी आवाज़ इस हवा के साथ, हवा के साथ साथ के संग संग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बता भाजी। गाइस हम पहुंच गए हैं ऊना, और मैं इस समय GoPro के लिए SD कार्ड ढूंढ रहा हूं मैं, ताकि उसका जो मेमोरी कार्ड है वो मुझे मिल जाए और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी टेंशन मुझे ना रहे। आई नीड सम बैकअप। Head west on National Highway 503, National Highway 503A toward Taka Road, Una Taka Road. क्या बोल रहे हो भाई? माइक तो है, डालू कहाँ इसको? हाँ चलो डन डन, बड़े बड़े तो बैठो। आ जाओ, मैंने भाई ले लिए हैं दो और मेमोरी कार्ड अपने GoPro के लिए, 64 GB ईच। तो आई होप मेरे पास तीन मेमोरी कार्ड हो गए हैं GoPro के, और मोबाइल में भी काफ़ी 60-70 GB डाटा फ्री है। आई एम श्योर ये जो व्लॉग मेरा होने वाला है पूरा राइड का, सर लेफ्ट मुड़ना है हमने, वो कवर हो जाएगा। चलिए भाई साहब, हम उन्हें करने वाले हैं अलविदा। अभी लंच के लिए भी ढाबा ढूंढते हैं। अच्छा देखिए भाई साहब, लोग पीछे देखते नहीं, पीछे रोक दिया हमारे भाई को, क्या जमाना आ गया, खुद को देखो किसी और को देखो ही नहीं।
तो भाई लोग अभी हम रुके हैं शिव वैष्णो ढाबा, उन्हें थोड़ा आगे आने के बाद मंडी रोड पे हैं और अब हम करेंगे अपना लंच। और ये है हमारे टोल फ्री राइडर। आपको पता है भाई लोग क्या चक्कर है, आपको बताता हूँ। आपका कैमरा ऑन है? कैमरा ऑन कीजिए तो ध्यान से सुनिए, आप ही सुनिए रिकॉर्डिंग ना। अब सुनिए भाई साहब, ऐसा है ये ललित भाई साहब का जो व्लॉग का चैनल है इसका नाम है टोल फ्री राइडर। पता क्यों पड़ा? एक बार अपने ना कार में जा रहे थे, ये अपने घर के पास से निकल रहे हिमाचल के लिए, तो वो बोलते भाई साहब टोल टैक्स दो। कहता घर तो मेरा यहाँ है, मैं हिमाचल जा रहा हूँ, टोल टैक्स किस बात का? कहता लेना पड़ेगा आपको। कहता आज के बाद मैं जब भी निकलूंगा ना टोल फ्री निकलूंगा। और बाइक पे आते टोल देते नहीं, देखो ऐश करते लाइफ का। ये टोल फ्री राइडर हमारा ललित कुमार फ्रॉम दिल्ली, और हमारे रैंडम राइडर कभी प्लान नहीं करते, कभी सोचते नहीं, बस निकल जाते हैं मस्ती में, हवाओं में घूमते हुए और ऐश करते हुए। लाइए सर, शुक्रिया। गरम गरम चपाती और दाल, भगवान के नाम लो और भैया खा लो, आ जाओ। और कांधा प्याज, वाह। लंच तो हो गया भाई लोग, अब मुझे चाय। और देखिए ये हैंडसम ब्रो हंक मिस्टर ललित, ललित ये चाय की प्याली हो और एक लाने वाला हो और साथ में ग्रुप में भाई हो। This is chai. हो गया लंच और चाय। अब 3 घंटे की राइड है यहाँ से मंडी के लिए। आखिर ललित मिस्टर आ ही गए हैं पीछे से, जाने कहाँ रुक गया, जाने क्या ढूंढता है दीवाना दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। भैया 100 तोपों की सलामी लकी अली भाई के लिए जिन्होंने इतने अच्छे गाने गाए हैं। ओ सनम तेरी चाहत की कसम, मंडी मंडी। कैसा फील हो रहा है ललित भाई आपको इस राइड पे? कल दिल्ली से फील हो रहा है, अब जो मुझे चाहिए था इंटरनली इमोशनली और मेंटली वो मेरे सामने है। ये जो रास्ते हैं, ये जो मंजिलें हैं और इन मंजिलों को पाने के लिए जो रास्तों अख्तियार करते हैं ना भाई लोग, उसी में तो मजा है। क्यों गुरप्रीत जी आप बताइए। आपकी तो ये हमारे साथ ही फर्स्ट राइड है आपकी? यस सर। तो आप बादल छोड़ो, मौसम छोड़ो, पहाड़ छोड़ो, हम कैसे लग रहे हैं आप लोग? तो हमारी कंपनी कैसी लग रही है आप लोगों को? आपकी तो बात ही अलग है, यू नो, आउट ऑफ द वर्ल्ड। ओए होए क्या बात है भैया, हमने पैसे नहीं खिलाए, कोई ऐसी बात नहीं है, पेमेंट नहीं करते, सिर्फ कोक पिलाई है। कोक भी लगी है, फुल करनी है ना? हां जी भाई, मैं फुल करवा रहा हूं। फोटो कटनी होता होता है भैया, हो जाएगा ना? कर दूं सर, आपको जो दिख रहा है कर दूं फोटो कट। अब आपको टेन दिखना नहीं पड़ेगा ना, अभी खाली है। हां जी,
मंडी भाई इस तरफ ही ना, इधर जाके ना। अच्छा साइड साइड आई हो ना फिर। मिल गया दुकान, मिल गई। गाइस हम हैं मंडी से 29 किलोमीटर पहले और ललित भाई ने अपने बाइक में डलवा लिया है इंजन ऑयल, जिसके लिए हमें बहुत देर से ढूंढ रहे थे। तो वो काम हो गया आपका? जान 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 चले। काली रात थे होवे पई बारिश, तेरी याद। सो गाइस हमने होटल ले लिया है, होटल आजाद, छोटा सा होटल है लेकिन रूम बहुत अच्छा मिल गया। और मैं मंडी में घूम रहा हूँ, हमारा डिनर पैक हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ ये मंडी का हमारा ब्यूटीफुल सा एक चौक, शायद नज़र आपको आ जाए। अरे यार चलिए मैं फोटो डालूंगा इसकी। तो दोस्तों आज के व्लॉग में यहीं एंड करता हूँ, कल मिलते हैं अगले व्लॉग में जब हम जाएंगे जिब्भी। तो गाइस तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर एंड लव यू ऑल।